वेलकम टू आवर YouTube चैनल। आपका अपने YouTube चैनल बैक टू बेसिक्स में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि आज जो कि संसद है उसमें बहुत ही बड़ा फैसला लिया गया है और बहुत ही अच्छा फैसला लिया गया है। जो फैसला है वो जम्मू एंड कश्मीर से आपको पता है कि 370 और 35 से हटा दी गई है। अब उसका आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या क्वेश्चन वहाँ से रेज हो सकते हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले आज तक का जो अपडेट है ये है जो मैं बता रहा हूँ। आगे जैसा ही और कोई अपडेट आएगा जम्मू एंड कश्मीर के रिगार्डिंग मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। फिलहाल ये है कि जम्मू एंड कश्मीर से जो कि आर्टिकल नंबर 370 और 35 से ये हटा लिए गए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि वहाँ पे बाइफरकेशन के लिए क्या किया गया है कि जम्मू एंड कश्मीर को डिवाइड कर दिया गया है उसके बारे में देखते हैं। जो अभी हमारा जम्मू एंड कश्मीर स्टेट है उसको दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है। एक तो आपका जम्मू एंड कश्मीर है और एक आपका लद्दाख। दो यूनियन टेरिटरी में जम्मू एंड कश्मीर को, पूरे स्टेट को दो यूनियन टेरिटरी में डिवाइड कर दिया गया है, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। जो जम्मू एंड कश्मीर होगा वहाँ पे विधानसभा होगी और जो लद्दाख है वहाँ पे विधानसभा नहीं होगी। कहने का मतलब है जैसे ही आपका जम्मू एंड कश्मीर है वो एक्ट करेगा दिल्ली की तरह, राइट, और जो आपका लद्दाख एक्ट करेगा वो करेगा जैसे चंडीगढ़ एक्ट करता है, राइट। तो ये हो गया आपका, दोनों यूनियन टेरिटरी बना दी गई हैं। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे दोनों का जो कि हेड होंगे वो वहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे। कौन होंगे? लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे। अब क्या हुआ है जो कि इंडिया में 28 तो स्टेट हो जाएंगे और 9 यूनियन टेरिटरी हो जाएंगे। अब इसका इफेक्ट क्या पड़ा है, इफेक्ट ऑन जम्मू एंड कश्मीर, वो देखते हैं, राइट। देखिए, सबसे पहले तो एक संविधान हो जाएगा। अभी दो संविधान थे, एक जम्मू एंड कश्मीर का अपना संविधान था और एक भारत का संविधान था, राइट। तो अभी केवल भारत का संविधान वहां पे फॉलो करना स्टार्ट हो जाएगा, जिसके तहत एक ये भी है कि वहां पे जो भी मुख्यमंत्री का जो टेन्योर होता था वो 6 ईयर होता था, अब वो वापिस 5 साल हो जाएगा। सेकेंड चीज, एक झंडा हो जाएगा, जो हमारा तिरंगा है वो झंडा हो जाएगा। पहले वहां का स्टेट का अलग झंडा होता था और अपने कंट्री का 2 झंडे वहां पे होते थे। एक नागरिकता, वहां पे 2 नागरिकता होती थी, एक तो स्टेट की नागरिकता होती थी एक सेंटर की, अब एक नागरिकता होगी। प्रॉपर्टी राइट, पहले किसी भी बाहर के व्यक्ति वहां पे प्रॉपर्टी नहीं खरीद पाता था, अब वो प्रॉपर्टी राइट भी उनको मिल जाएगा। अब आरक्षण, वहां पे ओबीसी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइबल एरिया, किसी को भी रिजर्वेशन का प्रोविजन वहां पे नहीं था, अब ये रिजर्वेशन का भी प्रोविजन आ जाएगा। और जो सवर्ण जो कैटेगरी के हैं, जो कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, उनको भी आरक्षण मुहैया हो जाएगा। अब बात करते हैं आरटीआई वहां पे राइट टू इंफॉर्मेशन जो है वो वहां पे नहीं थी, अब वो भी लागू हो जाएगी। राइट टू एजुकेशन भी वहां पे लागू हो जाएगी। आईपीसी भी वहां पे लागू होगा। ये ध्यान देखने की बात है, पहले वहां पे आरपीसी लागू था, आरपीसी, अब वहां पे आईपीसी, इंडियन पेनल कोड लागू हो जाएगा। पुलिस एंड लैंड के जितने भी ऑर्डर होंगे, पुलिस और लैंड के जो ऑर्डर होंगे वो एलजी के अंडर आ जाएंगे। ब्यूरोक्रेट्स की जो भी होगा, ब्यूरोक्रेट्स का जो मामला होगा वो एलजी देखेगा। कहने का मतलब है, जो आपने देखा होगा दिल्ली में ये मामला ज्यादा है, अरविंद केजरीवाल जी इसी पे करते रहते हैं कि भाई पुलिस एंड एलजी के पास है, पुलिस सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, तो वही मामला है पुलिस, लैंड और ब्यूरोक्रेट्स, ये सारे के सारे लेफ्टिनेंट गवर्नर, कहने का मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आ जाएंगे। महिलाओं को अधिकार मिल जाएंगे। अभी किसी महिला की शादी हो गई वहां की कहीं बाहर, तो वहां पे उसका कोई राइट नहीं था, लेकिन अब वो भी मिल जाएगा। एक अलग पॉइंट ये है जो कि 11 नंबर पे है, वो ये है कि पहले वहां पे जब भी इमरजेंसी लगती थी, यानी कुछ भी लगता था, तो वहां पे राज्यपाल का शासन लगता था, अब और राज्यों की तरह वहां पे यानी आर्टिकल 356 भी लगने लग जाएगा। आर्टिकल 356 क्या है आपको पता है कि आर्टिकल नंबर 356 है के जो कि प्रेसिडेंट रूल है वो भी वहां पे लगने लग जाएगा। अब बात करते हैं कि इसका प्रोसेस क्या है। देखिए, आर्टिकल नंबर 35 ए और 370 के लिए तो कोई भी राष्ट्रपति की स्वीकृति चाहिए थी, लेकिन ये जो इन्होंने जो ये चेंज किया है कि जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया है, इसके लिए विधानसभा और लोकसभा में पारित करना जरूरी था। तो उसके लिए क्या हुआ है, उसके लिए
अब हम बात करते हैं अमेंडमेंट की। अमेंडमेंट में हम आए हुए थे, देखिए इसके लिए क्या हुआ, इसके लिए पहले तो राष्ट्रपति की स्वीकृति चाहिए प्रपोजल को प्रस्तुत करने के लिए, और वो प्रपोजल अभी केवल राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया है, वहाँ पे पास हो चुका है, कल उसको लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा, वहाँ तो मेजोरिटी है ही है, तो वहाँ भी वो पास हो जाएगा, और जो राज्यसभा में पास हुआ है उस पर राष्ट्रपति जी ने भी साइन कर दिए गए हैं। यानी ये लगा लीजिए जो ये जो है कि ये भाई जो इसकी बाइफर्केशन की गई है, जम्मू कश्मीर को बांटा गया है, अब ये बिल्कुल सुनिश्चित हो गया है कि जम्मू कश्मीर को दो यूनियन टेरिटरी में डिवाइड कर दिया जाएगा। जो गृह मंत्री जी ने जो कहा है, उन्होंने कहा है अमित शाह जी ने कि जो ये दो भागों में बांटा गया है, दो यूनियन टेरिटरी में डिवाइड किया गया है, ये टेम्परेरी बेस पे किया गया है जब तक सिचुएशन नॉर्मल नहीं होती, जैसे ही सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी फिर वो उसको स्टेट बना दिया जाएगा। तो आपने अमित शाह उसके लिए धन्यवाद, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू।